मेरा नाम रूहानिका है और आप सबका सिंटा के प्रोग्राम यादों की झरोखी में स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अपनी फेवरेट चाइल्ड एक्टर और फ्रेंड से आप सबको मिलाने वाली हूँ। इन्होंने भी मेरी तरह बचपन में एक्टिंग शुरू की थी और ये अभी भी उतनी ही क्यूट है जितनी तब थी। हेलो डेजी मैन। हाय मेरे बच्चा, क्या हाल है? क्यूट क्यूट हाँ, बोलो। तो आपने एक्टिंग कैसे शुरू की? एक्टिंग कैसे शुरू करते हैं यार? आई वॉज जस्ट 2 years old, कर रही होंगी मैं कुछ, लोगों को लगा मैं एक्टिंग कर रही हूँ। आप लड़की होके लड़कों के रोल्स करती थी, आपको कैसा लगता था? अच्छा लगता था, मैं आज भी लड़के के जैसे करती हूँ। हाँ बट क्या करें, उस वक्त डिमांड लड़के के ज़्यादा थे, लड़के बॉय एक्टर, उनको बच्चे चाहिए थे जो लड़के हों, उस पर स्टोरी बनती थी, तो इसके लिए बॉय एक्टर। आपको कभी सेट पर आपके डायरेक्टर्स और एक्टर्स पैम्पर करते थे? नहीं बिल्कुल कोई पैम्पर नहीं करता, बदमाश थे सब लोग, मुझको बहुत डांट डपट के रखते क्योंकि नॉटी बहुत थी ना, बहुत नॉटी थी, तो थोड़ा सा उनको लग, जैसे बच्चों का होता है कि ज़्यादा इसको लाड़ करें सर पे चढ़ जाएंगे करके, सो दे यूज टू बी ऑलवेज ऑन दैट काइंड ऑफ विथ मी। खैर बट एक्टर एंड एक्टर्स दे नेवर डिड, दे वर वेरी स्वीट, सिर्फ डायरेक्टर थोड़ा सा खड़ूस होता था। तो आपको आपके डायलॉग्स कौन याद कराता था, या आप खुद करती थी? नहीं कोई करवाता था, कोई पीछे पड़ के कराता था, मैं खेलती रहती, वो पीछे 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 भागते भागते मेरे को डायलॉग याद करवाता था। आपने आपकी सिस्टर हनी जी के साथ भी काम किया है, तो सेट पर शैतान कौन ज्यादा था? हनी। हाँ तब तक मैं बहुत ओबीडियंट, अच्छी वो हो गई थी, क्या बोले, आर्टिस्ट एकदम, वो स्टाइलिश हो गई थी, पर हनी वॉज वेरी रॉ और बहुत बदमाश थी। She never used to obey anybody. मेरे डायरेक्टरों से मतलब उन्होंने कहा चलो तो मैं एकदम तैयार हो जाता, पर वो नहीं, उसको रसगुल्ले खाने, उसको हम उसको ये सब करना, नहीं मेरे को पहले वो चाहिए, वो खिलौना दो, ऐसे करके वो करती थी। मैंने आपको खाने में क्या पसंद है, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स या फिर कुछ और? तुम छोटी हो अभी, ये सब बातें मत पूछा करो, दिखता नहीं है क्या पसंद है मुझे। सब खाना पसंद, जो बोलो खा जाओ, आदमी छोड़ के सब खाती हूँ। उस टाइम पर आपकी फेवरेट एक्टर्स कौन थे? मेरे फेवरेट तो कोई थे ही नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये लोग कौन है। यू अंडरस्टैंड, मैं तो अभी भी शॉक्ड हूँ व्हेन आई मेट, अभी नया दौर का, इन लोगों ने कलर में किया, सो दे आस्क्ड अस टू कम, वी वेंट ओवर देयर, आई वेंट ओवर देयर, व्हेन आई सॉ दिलीप कुमार, you know, and all those big guys and B.R. Chopras, of course I knew them and I mean I grew up before them, magar I was like, I was in tears ke baap re itne bade logon ke sath maine kaam kiya, I didn't know, for me they were just okay kind of, right? So it was nice, and my favorite was Dilip Kumar, I still, he's my favorite, and मीना कुमारी, यू सी, तो पहले तो एक कुछ टाइम था तो मुझे लगता था अशोक कुमार एंड मीना कुमारी आर माय पेरेंट्स, क्योंकि आई यूज टू वर्क सो मच विद देम, आई डन सम 3-4 पिक्चर्स विद देम, तो मुझे लगता रोज शूटिंग में मिलते थे, कभी इधर पप्पा हो गए, कभी उधर पप्पा हो गए, कभी उधर अंकल हो गए, कभी इधर आंटी हो गए, तो मुझे तो आई थॉट दे वर माय पेरेंट्स। Most memorable incident on the set? Lot of nice memories, lot of bad memories, sad memories, but they were nice memories, yaar. एक बार पता क्या हुआ, एक मेरे शॉट था जिसमें दादा मुनि मुझको अपने कंधे पे उठा के और एक डायलॉग बोलना था, इट वॉज लाइक अ पोइट्री, तो वो मुझको बोलते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं, पूरा सेट हम लोग का सीढ़ी से, तो वो मुझको चल चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, तो फिर मेरा डायलॉग था मेवे की डाली टूट गई, सो देन ही वुड से हल्दी लगाऊंगा, तो द होल शॉट वाज गोइंग ऑन, मैंने कुछ 21 रिटेक्स दिए, मैं भूल ही जाती थी बीच बीच में,
तो इतना एंड दैट फेलो पुअर थिंग चढ़ रहे हैं उतर, बट ही नेवर मेड मी फील के यू नो कहाँ से बच्चा ले आएगा, कुछ नहीं बोला, थैंक गॉड। एंड आई वाज जस्ट, बट उसके बाद मेरी माँ बोली के थोड़ा घबरा गई है, इसको हम लोग थोड़ा घुमा के लाते हैं। अब घुमा के लाते हैं मतलब मेरी मौत, तुम नहीं समझोगे, घुमा के लाते मतलब मेरी माँ मुझको गाड़ी में घुमाने ले जाते थे। उधर वो डैशबोर्ड में वायर रहते थे, रेड एंड ब्लू कलर वायर, उससे वो मुझको फटकाते थे और डायलॉग रिपीट करवाते थे। ओके, फिर घर आ जा, रोना नहीं, तो रोने का नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता मैं मार खा के आई हूँ। और फर्स्ट टेक ओके हो जाता था। तो कभी कभी अपने को ऐसे भी पड़ती थी, फिर कभी मन नहीं कर रहा है रोने का, यू नो, और क्या, माँ बीमार है, मैं बीमार हूँ, मन नहीं करता था, तो डायरेक्टर रोने का है तुमको, रोने का है, वो बंगाली रोते थे ज़्यादा, तो नहीं तो कंबल के अंदर से छूटी मारते थे, जो जो पिंच मारते थे, फिर रोना ही पड़ता था। तो ऐसी कोई मैं एक्टिंग नहीं कर रही, ये लोग सब कराते थे मेरे को एक्टिंग। अच्छा टेजिंग मैम, आप इस जेनरेशन के चाइल्ड एक्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स को भी? भाई तुम लोग को देख के तो मैं घबरा जाती हूँ। हाँ, जो तुम लोग इतना अभी जो तुमने बिगिनिंग में बोला, हाय मैं ये मैं तो 6-8 रिटेक करवा दूँ इसमें, मेरे को तो नहीं आया बोलने के लिए, मगर वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर गुड, एकदम प्रोफेशनल हो गए, एंड गुड, यू शुड बी, बट एट द सेम टाइम डोंट लूज योर चाइल्डहुड। तेजी मैम, आपने एक एक्टिंग स्कूल भी शुरू किया था, उसके बारे में बताइए। अरे हाँ यार, एक्टिंग स्कूल शुरू किया था, अच्छा एक्टिंग स्कूल शुरू किया, पर जहाँ फिर बाद में ना ऐसे बेकार लोग आने लगे ना, तो मैंने बंद कर दिया वो स्कूल, क्यों उनका पैसा वेस्ट करूँ, वो ज़मीन बेच के, खेती बाड़ी बेच के, पापा से बोल दिया वो, और नाम क्या, अशोक। अच्छा, तो मैंने कहा बेटा आपका नाम अशोक नहीं है, आपका नाम अशोक है, वही तो कह रहा है अशोक। हमने कहा देखो बेटा, काहे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपने बापू का पूरा मेहनत खराब कर रहे हो, तुम जाओ, तुम नहीं काम कर सकते, हम नहीं तुमको सिखा पाएंगे, भेज देते। हमने कहा बंद करो यार, ये कहाँ है, सब अशोक आने लगे हमारे पास। पर सलमान खान मेरा स्टूडेंट, या एंड आई थिंक एक दो और है, नाम भूल गई हूँ मैं, बट दे आर ऑल माय स्टूडेंट, चंकी पांडे, साजिद खान, ऑल दीज कॉमेडियंस आर माय स्टूडेंट, मस्ती, एकदम फुल ऑफ मस्ती, बट आई हैड सम नाइस स्टूडेंट्स। तो आज की जनरेशन की चाइल्ड एक्टर्स में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है? जनरेशन के चाइल्ड आर्टिस्ट, यार तुम लोग कोई थोड़ा ये तो दो, देखो व्हेन आई वाज देयर ना, आई वाज अलोन, डेजी ईरानी, देन माय सिस्टर केम, शी वाज अलोन, हनी ईरानी, अब तुम लोग तो दे धड़ाधड़ पूरा वो मतलब एकदम वो छप रहे हो नोट के जैसे ना, नए नोट की तरह, अब मुझे तो नाम भी नहीं याद है किसके क्या है, बट आई हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली यू आर वेरी वेरी गुड, आई लाइक यू, या मोस्ट वेलकम, बट बाकी बच्चे पर आई डोंट नो देयर नेम्स यार, तो नहीं, बट आई नो क्राइम पेट्रोल में जो काम करते हैं ना छोटे, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड। डेजी मैम, आजकल इतने सारे रियलिटी शोज हैं टीवी पर, तो आप उनको फॉलो करती हैं क्या, आप उनको देखती हैं? ओह यस, आई वॉच रियलिटी शोज, एंड रियलिटी शोज आर माय फेवरेट, अभी जैसे वो चल रहा है इंडियन आइडल, आई वॉच दैट, सारेगामा आई वॉच ऑल द रियलिटी शोज, एंड स्पेशली दिस, अभी जो नाचने गाने वाले बच्चे आए हैं ना, है ना, आई जस्ट लव देम, दे आर वेरी गुड, वेरी गुड, आई वाज सो हैप्पी टू सी एक दो बच्चे जो अपना भैंस वैंस बेच के आए थे, हाँ, गाना गाने के लिए, एंड ही वन, और इट वाज वेरी स्वीट ऑफ द क्या बोलते टीवी वालों का, कि उसने उनको भैंस और वो किया, गिफ्ट दिया, हाँ, एक कुछ और जो गूंगा था या समथिंग ही कुंट, तो उसको भी ऑपरे, इट वाज वेरी, आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी चैनल्स ना ये सब चीज़ों को
इनकरेज करें बच्चों को, जस्ट टू गिव देम अ पुश. एंड आई लाइक रियलिटी शोज एंड दे शुड डू इट. बट पेरेंट्स डोंट गेट यूज टू द मनी, डोंट गेट यूज टू द फेम. टेक केयर ऑफ योर डायमंड, द ज्वेल, दो आपके हीरे जवाहरात जो आपने पैदा किए उसको संभाल के रखो, उनको वेस्ट मत करना, उनको पढ़ाओ. पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. देखो मैं आपको बताऊँ क्यों पढ़ाना ज़रूरी है. बेटा जैसे ये आई पहले, तो पहले इससे पूछा, मैंने कहा तू पढ़ रही है ना, बराबर पढ़ रही है ना, हाँ वेरी गुड. क्योंकि पढ़ना ये तो आता जाता है. इतने बच्चे आए हैं मेरे साथ, इतने बच्चे आए थे, कहाँ हैं सब, सारे आर्टिस्ट कहाँ गए, यू सी. तो ये पक्का नहीं होता, ये इसका पूरा ये नहीं बोल सकते कि ये पक्का है, ये आपकी लाइफ नहीं. जैसे महमूद जूनियर, यू सी, जैसे दूसरे बच्चे जो नहीं बन पाए, या जो एक जहाँ मकाम था वहाँ नहीं वापस पहुँच पाए. सो इट इज़ सैड. बट अगर उन्होंने पढ़ाई की होती तो दे कुड डू एनीथिंग, यू सी. बट दे कुड डू लॉट ऑफ थिंग बिकॉज दे वर नॉट एजुकेटेड. तो क्या हुआ, कभी असिस्टेंट बन गए, कभी किसी के कुछ बन गए, कभी एक्स्ट्रा में चले गए, कभी साइड रोल्स कर लिया. इट्स नॉट वर्थ इट. You know, we could have done much better. I did a very good job. I got married. You see, got married to a nice man, जो बहुत संभाला उसने मुझको, बहुत समझाया, सिखाया, और बच्चे अच्छे थे दिए, सब अच्छा हुआ. फिर उसके बाद टीवी कर लिया, हाँ टीवी चैनल शुरू हो गया. तो टीवी में आ गई तो कौन सा होता मेरा, देख भाई देख, I started with that. Have you seen that? तो पैदा भी नहीं हुई होगी. Nice it was. बहुत मज़े का था. We really enjoyed it. फिर बाद में don't ask me the names. ऐसे अजीब अजीब नाम थे सब सीरियल्स के, पर सब किए मैंने, काफ़ी किए. पिक्चर से ज़्यादा मैंने सीरियल्स किए. डेजी मैम, आपने टीवी में भी काम किया है और अपनी फिल्म्स में भी काम किया है, तो आपको कौन सा बेटर लगता है? कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है काम करने में? जिसमें अच्छा रोल हो. जिसका रोल अच्छा हो वो बेटर. अब काम का कर, मौसी हैं वहाँ से आई हैं, बैठी हैं तो बैठी हैं मौसी, वो मौसी क्या करेंगे, बड़ी पिक्चर भी हो तो मौसी क्या करने वाली है. मगर अगर छोटी सी मौसी वहाँ पे आग लगा रही है पूरे घरों में, तो रोल अच्छा करने को मिलता है. आपकी हॉबीज क्या हैं? डोंट आस्क मी, माई सर्वेंट विल टेल यू. शी इज़ सो फेड अप ऑफ मी, आई कांट टेल यू. कभी पेंटिंग बुला लेती, ला यार पेंट का सारा, तो सारा सामान पेंट का आ जाता. फिर थोड़ी देर, नहीं यार ये नहीं, अच्छा सुन एक काम कर, वो सिलाई विलाई का दे दे कुछ. मैं सब करती रहती हूँ. आई जस्ट लाइक टू डू समथिंग और दी अदर, बट पेंटिंग इज़ माई फेवरेट. यू नो देर इज़ दिस सैड पार्ट ऑफ शूटिंग इज, हमारे टाइम में हमको मज़ा नहीं करने देते थे. छोटे बच्चे थे ना, तो क्या बोलते हैं, इमली नहीं खा सकते, आम नहीं खा सकते, बेर नहीं खा सकते. रेड बेर बुरास. अरे यार ये कहाँ, ये अच्छी अंग्रेज बच्ची बुला ली है तुम लोगों ने, इसको थोड़ा हिंदुस्तानी बनाओ. बोरा बोरा कहाँ तेरी नानी, बोलूँ उसको बोरा खिलाने को तुझको. अरे दीज आर द ब्यूटीज ऑफ आर इंडियन कल्चर यार. गिल्ली डंडा खेला है कभी, पतंग उड़ाई है क्या यार तुम, वेस्ट ऑफ टाइम. एनीवेज पर हम ये सब करते थे और हमको करने नहीं देते थे, बहुत लड़ाई होती थी. बट एट द सेम टाइम एक दिन ना मेरे को बुखार हो गया था. आई वॉज नॉट सपोज टू बिकम सिक. बच्चे बीमार नहीं पड़ सकते शूटिंग में, क्योंकि फिर शूटिंग डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है. इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका डेट वेस्ट हो जाता है. तो हम बीमार नहीं पड़ते, तो पता नहीं क्या ये लोग करते थे, मैं नहीं बीमार पड़ती थी. बट एक दिन कहीं मद्रास में भी वे शूटिंग, और मुझे बुखार हो गया, और बुखार हो गया और मुझको मतलब हाई टेम्परेचर हो गया, और इंजेक्शन से मेरी जान निकलती थी. तो भी डॉक्टर ने लगा तो दिया था, बिकॉज आई हैड टू गो फॉर शूटिंग. तो शूटिंग में गए तो वहाँ एक पिक्चर थी देवता, यू नो माइथोलॉजिकल पिक्चर. उसमें मैं सिर्फ एक धोती पहनी हुई हूँ, टॉपलेस. यू मस्ट सी दैट पिक्चर. टॉपलेस थी, और कुछ जनों वनों पर कुछ वैसे पहाड़ पे चढ़ जाती हूँ, तो पहाड़ ये देख रही है
पहाड़ पे चढ़ तो भागते 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 आई थिंक उन लोगों ने सेट ठीक से नहीं लिखा, तो उसमें एक गैप था, उसमें मेरा पैर ही चला गया। तो सब लकड़े जो नीचे लगाए थे तो पूरे कीले भर के लगे। तो बेचारा एक लाइट मैन को बचाने के लिए आया, उड़ी गुड़ी बुड़ी कुछ बोल रहा उसने तमिल में कि बच्चा गिर गया, उसने जोर से पकड़ के उठा लिया। तो ये जो लगी थी वो तो लगी, वापस निकाला तो और खचर कर दिया मेरा। बट दैट वॉज सैड। फिर उसके बाद काफ़ी बीमार हो गई मैं, बट देन रिवाइव कर गई। सो आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड, दैट्स व्हाट आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू डू इट। चाइल्डहुड इज फन यार। गोटी खेल, गोटी भी नहीं खेला होगा। अरे बाप रे, पूरा मोहल्ला घुमाती थी मैं मेरे भाई के साथ, हम लोग गोटी खेलते थे। तो जो बाजू वाले आते थे, एक तो क्योंकि डेजी रानी खेल रही थी उसके साथ खेलने का उसमें, और उस पर हारते थे तो और उनका मुँह सड़ता था। उस पर हम लोग पतंग उड़ाते थे, यू सी। अरे आया, मैं पूरा गुंडा थी, बहुत मज़ा आता था। लाइक टॉम बॉय वाली। एक घोड़ा था जिसमें प्रैक्टिस करने जाते थे शूटिंग के लिए, तो मम्मी ने नहीं नहीं इसको घोड़े हॉर्स राइडिंग सिखाना है। तो हॉर्स राइडिंग पता नहीं कौन सी पिक्चर में करने वाली थी, पर हॉर्स राइडिंग तो जाते। वो साला घोड़ा, सॉरी साला बोला वो घोड़ा इडियट, वो जाते 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 सडनली एक जगह पे रुक जाता था, भगाते भगाते रुक के मेरे को गिरा देता था। और उसकी वो गली आती थी उसके तबेले में जाने को, वहाँ चला जाता मुझको बिना। अरे बाप रे, मतलब बहुत ऐसे कच्ची भी हुई है मेरी काफ़ी। डांस स्टेज पे डांस करती थी तो भांगड़ा कर रही, दिन दिन आते चल रहा है घूमी। सडनली मैं गायब स्टेज के बाहर ही गिर गई। आप फरहान अख्तर की आंटी है, तो कैसे फरहान अख्तर? फरहान अख्तर बहुत बदमाश है, चीटर है वो। हाँ, कैरम में भी चीटिंग करता है मेरे साथ, फिर लड़ाई होती है, फिर तोड़ फोड़ के चला जाता है बिकॉज ही इज़ लूजिंग। सी एक दिन हम लोग जू बीच पे वो खेल रहे थे, क्या हुतू तुतू, कबड्डी। तो ऑल द किड्स वन साइड, मी अलोन वन साइड, सो ऑल दीज गाइज दे जम्प्ड ऑन मी, you see, and I was like fighting and utu, I was doing this. Aur Farhan couldn't shake me, couldn't move me, because mera wahan pe wo line mein laga hua tha pair, to dekh couldn't hurt this. Aur wo dekh tum kaha ke bhul gaya ke main uski maasi hu, bolta hai jaadi hat. Mere aise usko dekha, maine kaha ek dekh hi tere ko, sorry. ऑल दी बहुत बदमाश थे लोग। मगर एक, तुम किसी के मैयत पे गई हो? व्हाट्स दैट? किसी की मैयत, कोई मरा तो गई थी कुछ मिलने, रोने धोने? कोई नहीं। अच्छा सुनो, जाओ भी तो बहुत बिहेव योर सेल्फ, ओके? क्यों, मैं किसी के मैयत पे नहीं जाती, ओके? क्यों नहीं जाती मैं? बिकॉज I can't stop laughing. Not because the guy who's dead or the lady who's dead, but the people who are around. I saw the faces they make. It's not, you can't just be quiet. Anyway, so one of my relatives died and I had to go, okay? Being the bahu of the house, I had to go. Aur wahan gayi hu main, aur पहले तो देखती रही कि हॉस्पिटल से उनको वो खाट पे ला रहे थे ना, तो खाट पे लेकर आए। तो मैं सोचती हूँ घर इतना छोटा है, वो लिफ्ट इतनी छोटी है, उसको कैसे लेकर आएंगे? वो दरवाजा सीढ़ी पे से तो आ नहीं सकते, जैसे ऐसे सोचते थे। सडनली लिफ्ट नीचे गई तो मैं देखा, अरे लिफ्ट नीचे गई। तो सडनली आई सॉ, वो जो शूटिंग पिक्चरों में होता है ना, एक सीन करके एक शक्ल ऊपर आ रही है लिफ्ट के ऊपर। तो मेरे आई व्यू से देख रही हूँ कि वो आदमी ऊपर आ, वो मर गया था बेचारा, उसको खड़ा करके ले आए, क्योंकि
they couldn't fold him and bring him in that car. तो उसको फोल्ड कर तो ये क्या उसके बाद जो फिर ऐसे में तो दुपट्टा था जो मेरा तो हंसना शुरू हो गया हंसना शुरू हुआ तो सब जो आजू बाजू लोग होते हैं यू नो साइडीज हो आके अरे नहीं भाभी कंट्रोल योर सेल्फ भाभी तुम हार मत करो भाभी मत और मैं हंस के आँख में से पानी आ गया इतनी हंसी आई मगर वो सब भाभी कंट्रोल भाभी कोई रो नहीं रही थी हंस रही थी क्यों बेचारे बुड्ढे को ऐसे उठा के ले गए. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी की मैयत में नहीं जाना इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट. दैट्स इट. अच्छा सुनो बोला कथक सीख रही हाँ. वेरी गुड. और अभी मेरा थर्ड ईयर शुरू होगा. मुंद्रा बुंद्रा सब सीखती हो? हाँ. या वेरी गुड. नहीं मेरे को नहीं सिखाया. हाँ देखो पर मैं कलकत्ता का वो मेडल लेकर आई थी. हाँ 1964 तू अपना तेरे माँ भी नहीं पैदा हुई होगी तब की बात मत कर. लॉन्ग टाइम हो. हाँ बट नो कुछ भी करो दम से करो हिम्मत से करो और ख़त्म करो बीच में मत छोड़ो. डोंट ड्रॉप योर सेल्फ. पढ़ाई छोड़ दी ये छोड़ डोंट डू दैट. पूरा करो क्योंकि नहीं तो आदत पड़ जाएगी. कभी तुम कंप्लीट नहीं करोगे कोई भी काम. सब बच्चों के साथ यही बोलना कि जो भी करो पूरी हिम्मत से मेहनत से और ईमानदारी से करो. Thank you so much for your time. Thank you for the advice. Thank you very much and I'm so happy that I met you. I want to meet more of your kind, your children actors. I do want to meet them. All the best, beta. Thank you. Khush raho aur maja karo.